नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां मेले में बवाल हो गया है। संविधान दिवस पर मेले में बवाल हो गया, किताब को लेकर यह बवाल हुआ है। बजरंग दल ने इस पर आपत्ति जाहिर की है, जमकर विरोध किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर शिकायत भी की, पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है, सुपेला पुलिस ने कार्रवाई की है। तो दुर्ग में संविधान दिवस पर आयोजित मेले में बवाल हो गया किताब को लेकर। किताब पर बजरंग दल ने आपत्ति जाहिर की, थाने पहुंचकर शिकायत की है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। विवादित किताब पर जमकर बवाल हुआ। संविधान दिवस पर जो मेला लगाया गया था, उस मेले में एक विवादित किताब को लेकर जमकर बवाल हो गया है। बजरंग दल ने कड़ा विरोध जताया है इसको लेकर, पुलिस में शिकायत भी की है, पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है, सुपेला पुलिस ने कार्रवाई की। सुपेला में आज 26 नवंबर के आयोजन को लेकर बौद्ध समाज के द्वारा कुछ आयोजन किया गया था, उसमें एक आयोजक मंडल के इतर किसी दूसरे के द्वारा जो समाज पुस्तक बेचने के संबंध में कुछ स्टॉल लगाया गया था, उस स्टॉल में कुछ पुस्तकों पर आपत्ति दर्ज की गई थी। तो उस आपत्ति को ध्यान में रखते हुए पुलिस के द्वारा भी संज्ञान लिया गया है और उनके आवेदन के आधार पर FIR की कार्रवाई की जा रही है। संविधान दिवस पर मेले का आयोजन हुआ और इस मेले में एक किताब को लेकर जमकर बवाल हो गया। बजरंग दल ने आपत्ति जाहिर की, बजरंग दल ने शिकायत भी की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब जांच करेगी पुलिस इस मसले की। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां धर्मांतरण के शक में बवाल हो गया। बजरंग दल ने जमकर हंगामा किया, इसको लेकर एक कमरे में चल रही थी प्रार्थना सभा। घटनास्थल पहुंचकर आपत्ति दर्ज कराई है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। विरोध करने पर मारपीट का आरोप भी लगाया। ग्राम विनायकपुर की घटना है, अंडा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। क्योंकि अभी आचार संहिता है, इसलिए मैं अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा नहीं करता। अधिकारी इस मौके पर स्वतंत्रतापूर्वक काम करते हैं। जो भी परिस्थितियां आई, विभाग के अधिकारियों ने उस पर संज्ञान लिया और काम किया है। मैं जानबूझकर उसमें हस्तक्षेप इस समय नहीं कर रहा हूं, आचार संहिता के कारण। चूँकि तो दुर्ग से बड़ी खबर, धर्मांतरण के शक में बवाल हो गया। बजरंग दल ने जमकर हंगामा किया है, इसको लेकर बताया जा रहा है कि एक कमरे में प्रार्थना सभा चल रही थी। बजरंग दल के कार्यकर्ता घटनास्थल पहुंचे और आपत्ति जताई, दर्ज कराई। विरोध करने पर मारपीट के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ग्राम विनायकपुर की घटना है, अंडा थाना क्षेत्र का मामला। और क्या कुछ अधिक अपडेट है इस मसले को लेकर, वो हम जानेंगे, सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। मिथिलेश, एक बार फिर से धर्मांतरण का मसला छत्तीसगढ़ में सामने आ गया है। काउंटिंग की तारीख लगातार नजदीक आ रही है और धर्मांतरण का विषय जमकर बवाल। निश्चित रूप से लगातार समय समय पर देखा गया है कि इस तरह के कई आरोप लगते रहते हैं। उसी के तहत में दुर्ग जिले के ग्राम विनायकपुर में ये घटना सामने आई है, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ये पता चला था कि एक कमरे में जो है वह प्रार्थना सभा कराई जा रही है और उस प्रार्थना सभा में जो है धर्मांतरण करवाया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचे और ग्रामीण भी वहाँ पर मौजूद थे। बताया जाता है कि उनके साथ मारपीट भी की, आरोप लगाया जा रहा है बजरंग दल के द्वारा। तो पूरे मामले को संज्ञान पुलिस ने लिया
लिया है। शिकायत दर्ज करवाने के बाद में पूरे मामले में जांच की जा रही है और जांच के बाद में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर ये कार्रवाई की जाने की बात सामने आएगी। तो देखने बाद ये बात ये होगी कि किस तरह से कार्रवाई होती है, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है इसलिए कोई जो जनप्रतिनिधि है वो सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। कुछ देर पहले अभी गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू जी से भी बात हुई थी, वे बोले उनका ये कहना है कि मसला गंभीर है लेकिन उच्च अधिकारी जो है वो इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस तरह से लगातार दो घटनाएं जो है वो एक दिन में सामने आई है। संविधान दिवस पर एक किताब मेले का भी आयोजन किया गया था भिलाई में, जहां पर आपत्तिजनक पुस्तकें थी इसको लेकर भी बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। काफी देर तक हंगामा होता रहा, सुपिला थाना पहुंचे, जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उनको अंततः उस किताब के बारे में भी मैं आपसे समझना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कैसी किताब है, किसकी किताब है, लेखक कौन है इस किताब के, और इस किताब में ऐसा क्या है जिस पर बजरंग दल आपत्ति जाहिर कर रहा है मिथिलेश? देखिए, किताब रामायण से संबंधित है जिसका नाम जो है टाइटल है वो प्रदूषित रामायण दिया गया है। और इसी तरह से और भी ऐसे कई ग्रंथ हैं जो धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें कई तरह की अलग अलग बातें उसमें लिखी गई है। इसी का विरोध जो है वो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया था। पहली नज़र उनकी ये पड़ी थी कि जिस तरह से सबसे बड़ा जो ग्रंथ है हिंदुओं का रामायण जिसको लेकर कई तरह की आपत्तिजनक चीज़ें उसमें लिखी हुई है, इसी का विरोध किया जा रहा था। और अब जो पुलिस ने इस पूरे मामले के जो प्रकाशक हैं और लेखक हैं उनके खिलाफ में अपराध दर्ज किया है और उनके खिलाफ में उचित कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जहां तक मेले की बात है, जो स्टॉल की बात की जा रही थी, उस स्टॉल में और भी कई पुस्तकें थी जिसको लेकर आपत्ति थी और उसको वो अलग करने की बात कर रहे थे और पुलिस से पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग कही जा रही थी। तो फिलहाल अभी एक जो किताब है उसके लेखक और प्रकाशक के खिलाफ में पुलिस अपराध पंजीबद्ध कर लिया और पूरे मामले में जाँच की जा रही है। जी ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां जमीन विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। घर से अगवा कर युवक की हत्या हुई है, घर से पिटाई करते हुए अगवा किया गया था युवक को, हत्या कर लाश को तालाब में फेंका। सकरी थाना क्षेत्र के गिरधौना में हत्या हुई, आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता उमेश मौर्य, जुड़े हुए हैं फोन पर। उमेश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसमें युवक की अपहरण की गई, फिर उसके के घाट उतार दिया गया और उसके बॉडी को जो है वो तालाब में फेंक दिया गया। पूरा मामला जो है जमीन विवाद का निकल कर सामने आ रहा है। फिलहाल सकरी पुलिस जो है वो कुछ संदेहियों को हिरासत पे लेकर पूछताछ कर रही है और ये पूरा मामला जो है वो गिरधौरी गांव का बताया जा रहा है, क्योंकि अभी भी आरोपी जो है वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है, लिहाजा पुलिस जो है वो सरगर्मिता से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पूरा मामला कल का है, फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस कब तक के आरोपियों तक पहुंचती है और वहीं आरोपियों को कब सलाखों में भेजेगी। जी ठीक है उमेश, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने किस तरीके से जो आरोपी हैं उस घटना को अंजाम दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दंतेवाड़ा में, नक्सलियों ने एक बार फिर से बड़ा उत्पात किया है। नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे 16 वाहनों और डामर प्लांट को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 50 की संख्या में आए नक्सलियों ने हमला बोला था और पोकलैन मशीन, जेसीबी, हाइवा, टैंकर, मिक्सर मशीन सहित कई उपकरणों में आग लगा दी। नक्सलियों ने रेल परियोजना में लगे वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया है। घटना के बाद नक्सली पहाड़ की तरफ भाग गए हैं। हालांकि ऐसी घटनाओं से साफ होता है कि नक्सली विकास विरोधी हैं। प्लांट में रात को हुई आगजनी के साक्ष्य धरती से हम बात करेंगे कि कैसा रहा मामला और कैसे नक्सलियों का यहाँ आगमन हुआ और किस तरह से उन्होंने आगजनी को वारदात को अंजाम दिया। हाँ बताएं कि क्या है मामला और रात को कितने नक्सली यहाँ मौजूद थे? तो रात को अपन 1 बजा था, तो फर्स्ट में आए तो अपना फ़ोन ले लिए खींच लिए, तो बोले कि मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो बोल के, मारेंगे बोल के बोल रहे थे। तो अपन भी गार्ड काम कर रहे बोल के बोले, तो उस बीच में अपन को फिर पकड़ के लाए नीचे और वहाँ पकड़ के रखे थे अपन खड़ा करके। उस बीच में फिर अपन बोल के देखे गाड़ी मत जलाओ बोल के, तो उन लोग बोले कि गाड़ी नहीं जलाएंगे तेरे को मारेंगे बोल के बोले, तो मैं भी चुप हो गया। लगभग कितने नक्सली मौजूद रहे उस समय? 50-60। वर्दीधारी थे और बंदूक भी था क्या उनके पास? बंदूक भी था और वर्दी भी पहने थे। अब आपको जब डराया धमका गया, आप क्या आप काम को चालू रखेंगे? वो तो अब आगे वाले कंपनी वाले जाने आप करेंगे नहीं करेंगे, हम तो अपना जो ड्यूटी था उसको कर लिए करते हैं। हाँ देखिए, ये साक्ष्य दर्शी हैं, इन्होंने बताया कि नक्सली किस तरह से वारदात को अंजाम दिए और कितने संख्या में थे। आप देख सकते हैं कि लगातार सीरियल गाड़ियां खड़ी है और देखिए अभी भी
धू धू करके गाड़ियां जल रही है। आप देख सकते हैं कि ये डामर प्लांट भांसी का मामला है और इस भांसी में नक्सलियों ने बीती रात आगजनी की है। कैमरा पर्सन के साथ न्यूज 18 दिनेश गुप्ता दंतेवाड़ा। जगदलपुर से खबर, जहां बस्तर आईजी सुंदरराज पी का बयान सामने आया, आगजनी करने वाले नक्सलियों की तलाश जारी है, वो ऐसा कह रहे हैं। सड़क निर्माण से नक्सलियों में बौखलाहट है, आईजी ऐसा कहते हैं। बौखलाहट में वाहनों को आग लगा दी है नक्सलियों ने, विकास विरोधी नक्सली बख्शे नहीं जाएंगे, आईजी सुंदरराज पी का ये बयान। 10 के आसपास संख्या बन जाते हैं, लेकिन और हमने डिटेक्ट किया या विस्फोट हो गए, इसके अलावा जो और कितना लाया गया वो तब तक रिकवर नहीं हो तो फिर बताना संभव नहीं, और हर चीज हमेशा के लिए भी लगा कर नहीं रखते। कांकेर से बड़ी खबर, जहां नक्सलियों ने बैनर लगाए हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए नक्सलियों ने बैनर लगा दिए। पीएलजी वर्षगांठ मनाने की अपील की है, छोटे बेठिया थाना क्षेत्र का मामला। कांकेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने बैनर लगाए हैं, देखिए, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए बैनर लगाए हैं नक्सलियों ने, और इस बैनर के जरिए पीएलजीए वर्षगांठ मनाने की अपील की गई। छोटे बेठिया थाना क्षेत्र का मामला, जहां पर नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए बैनर लगाया और इस बैनर में पीएलजीए वर्षगांठ मनाने की अपील की। जगदलपुर में नक्सलियों के चलते एक बार फिर से ट्रेनों के परिचालन पर ब्रेक लग गया है, 30 नवंबर तक ट्रेनें नहीं चलेंगी। पैसेंजर और नाइट ट्रेनें नहीं चलेंगी, नाइट एक्सप्रेस संचालन केवल दंतेवाड़ा तक ही होगा। आपको बता दें कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने फैसला लिया है। महासमुंद से बड़ी खबर है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का घेराव किया है बीजेपी ने। जी हां, स्वास्थ्य केंद्र का घेराव कर दिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। पिथौरा स्वास्थ्य केंद्र का घेराव किया है, अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किया है, निजी अस्पताल से साठ गांठ के भी आरोप लगाए हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। देखिए तस्वीरें, हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर पहुंचे थे घेराव करने के लिए स्वास्थ्य केंद्र का। लापरवाही के, अव्यवस्थाओं के आरोप लगाए हैं और निजी अस्पताल से साठ गांठ के आरोप लगाए हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। पिथौरा स्वास्थ्य केंद्र का घेराव करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हुए थे। वहीं अंबिकापुर में पुल से नीचे गिर गई बुलेरो कार। नेशनल हाईवे 43 पर सड़क हादसा हो गया, तेज रफ्तार बुलेरो पुल से नीचे गिरी। बुलेरो में सवार 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए, घायलों को मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया है उपचार के लिए। रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र के लम गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां पर एक बुलेरो कार पुल से नीचे गिर जाती है। नेशनल हाईवे 43 पर यह सड़क हादसा हुआ, तेज रफ्तार थी बुलेरो की और पुल से नीचे गिर गई। बुलेरो में सवार 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये तस्वीरें देखिए, बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है बुलेरो। घायलों को मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया उपचार के लिए। रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र के लमगांव की घटना। कोरबा से बड़ी खबर, जहाजदेव डैम में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। पिकनिक बनाने गए थे 6 लोग, पानी के तेज बहाव के चलते वहां पर फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया। पुलिस और सीएसईबी के अधिकारियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो हसदेव डैम पिकनिक बनाने के लिए कुछ लोग गए हुए थे, परिवार गया हुआ था एक, और वहां पर पानी का तेज बहाव आया और इस बहाव के चलते वो वहां पर फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया पुलिस और सीएसईबी के अधिकारियों की मदद से। और अब बात रायगढ़ से आई दिल दहला देने वाली खबर की, जहां नेतानगर गांव में एक महिला और बच्चे की अधजली लाश मिली है। ग्रामीणों के मुताबिक आरोपियों के पैरा के ढेर में
आरोपियों ने पैरा के ढेर में महिला और बच्चे को जला दिया। ग्रामीणों को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर जूट मिल थाना पुलिस के साथ ही एसपी भी पहुंचे। फॉरेंसिक की टीम भी जांच में लगी हुई है। शवों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई। मृतक कौन है इसका पता लगाया जा रहा है। गाड़ी रोड में खड़ा रही सोती देखे मैंने। मन कितने बजे की बात है? 2:30 बजे पास है। उस समय पैरा में आग लग गया था? हाँ, आग लग गया था। कितने लोग थे गाड़ी में? एक आदमी देखा हूँ मैं। एक आदमी? हाँ। गाड़ी कौन से कलर की थी पता लगा रहा? व्हाइट। सफेद गाड़ी? हाँ। बड़ी थी कि छोटी? बहुत ही मालूम नहीं है मेरे, अंधार रात में आए हुए बहुत ही घर नहीं करेगी। एक साइबर की टीम हमारी टावर डंप और बाकी टेक्निकल एविडेंस पे काम कर रही है, और दूसरा जो हमारे आसपास हाईवे से संबंधित है उसमें भी हमारी टीम अब काम करने शुरू कर दी है, और जैसे हमें पहचान मिलेगी हो जाएगी तो और भी हमें जो है वहाँ तक ताकि उनके परिजन तक पहुँचा जा सकेगा, और जब पोस्टमार्टम के पश्चात उनके कपड़े या जो कुछ अभी बचे हैं उनके आधार पर हम सभी से अपील करते हैं कि अगर वो पहचान हो तो तत्काल हमें जरूर पुलिस को सूचना दें ताकि हम आगे उन पे भी विवेचना। हम अभी खड़े हैं रायगढ़ से लगे ग्राम नेतनगर में। देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये ग्राम नेतनगर है जहां से आज एक सुबह बड़ी दुखद घटना की खबर सामने निकल कर आई है। देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये वो खेत है जो खेत के पैरा में एक महिला और एक बच्चे की अर्धजली लाश मिली है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वो खेत है, ये मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क उड़ीसा का मार्ग है। रायगढ़ से ग्राम नेतनगर ये वही जगह है जहां एक दुखद खबर सामने निकल कर आई है। एक महिला और एक बच्चे की पैरा में अर्धजली लाश मिली है। देख सकते हैं आप, ये वही जगह है, हम यहां मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले ही यहां फॉरेंसिक की टीम भी आई थी, पुलिस अधीक्षक आए थे स्वयं, और साथ ही साथ जूट मिल पुलिस की टीम आई थी। आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी और दुखद घटना है ये। ये वही जगह है, ये वही खेत है, इसी पैरे के ढेर में एक बच्ची को और एक महिला को जला दिया गया है। जैसे ही ग्रामीणों ने आधी रात को इस घटना को देखा, आग के लपटों को देखा, तत्काल उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर आकर जांच किया है, जांच और भी की जा रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस का दावा है कि जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। कैमरामैन प्रमोद के साथ सत्यजीत घोष, News 18 रायगढ़। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।